अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। देखिए मेरे सामने ये नदी है। जब पानी तेज़ होता है तो ये नदी एक इधर से कट करके आती है और एक इधर से काटती हुई आती है। देखिए इधर से भी काटती हुई निकलती है और इधर से भी। आप लोग को जान करके हैरानी होगी कि ये सामने पुल, देखिए ये पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। और अभी जो रोड के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर जो रोड पुल बना हुआ है वो ये है। अभी का नीतीश सरकार ने जो पुल बनाया है वो ये है। ये पुल है और ये उसके नीचे साइड में ये अंग्रेज के ज़माने का है। बहुत मज़बूत है, काफ़ी पानी आने के बाद भी कभी ये टूटा नहीं है। लेकिन ऊपर से ये देखिए, ऊपर से थोड़ी बहुत परेशानी है, ज़्यादा नहीं। ये गिद्वास का इलाका है, गिद्वास कहा जाता है। रानीगंज से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। 10 किलोमीटर, आप देखिए पानी का बहाव कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पानी जा रहा है। ये पानी ही पानी है, देखिए ये पूरी हरियाली पानी, ये देखिए। आपको दिखाता हूँ मैं। और ये सामने यहाँ पे एक मंदिर है, ये देखिए। ये केले का पेड़ है, इधर भी झाड़ है और ये सामने मंदिर है। काफ़ी पुरानी मंदिर है, बहुत सारे लोगों का आस्था है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मानने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल रोड के करीब ही है। और एक ये है, ये मंदिर है, देख पा रहे होंगे आप लोग। इशाती ब्लॉग्स के ऊपर वीडियो बन रहा है, डाला भी जा रहा है। आप हजरात इसे खूब देखें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुर्बत के अंदर, गरीबी के अंदर ये काम मैंने करना शुरू किया है। आप लोग प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर खूब मेहनत से काम करूँगा। आप लोग सभी वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि बिल्कुल वायरल हो जाए। ये देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल आपको दिखा रहा हूँ, और ये अभी का पुल है, ये सामने बना हुआ है। ठीक है, अब मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पानी ही पानी है, कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है। ये देखिए पानी, ये देखिए पानी, पानी ही पानी जा रहा है। ठीक है, ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इशाती ब्लॉग कारी फरमूद साहब को।